सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास आया है जी ये एक एलईडी बल्ब, ये चल नहीं रहा। सबसे पहले हम इसे करंट लगा के चेक करते हैं। ये देखें, ये पावर नहीं ले रहा। इसके अलावा हमारे पास ये एक दूसरा एलईडी पड़ा हुआ है, ये देखें ये चल रहा है। अब हम इसे खोलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसका सलूशन निकालते हैं। इसे खोलना बहुत ही आसान है, यहाँ से और इसके फेस से पकड़ के हमने इसको आराम से ज़ोर लगाना है। ये देखें, ये बड़े ही आराम से खुल गया है। बाज़ जो एलईडीज़ होती हैं उनके यहाँ पर मैजिक लगी होती है, तो उनको आप थोड़ी सी हीट दे के भी इस तरह खोलेंगे तो वो बड़े ही इजी तरीका से खुल जाती हैं। इस एलईडी को पहले भी किसी ने रिपेयर करने की कोशिश की है। ये देखें, यहाँ पर इसकी एलईडीज़ जो हैं वो डैमेज की हुई हैं। वैसे जब ये ख़राब होती हैं तो उनकी हालत इस तरह होती है, अगर एक से ज़्यादा एलईडीज़ ख़राब हों तो उनको हम रिपेयर नहीं कर सकते। इसका एक ट्रिक ये भी है, जैसे ये वाली एलईडी अभी यहाँ से ब्लैक हो चुकी है, तो इसको यहाँ से हटा के काविया की मदद से इसको डायरेक्ट कर देते हैं, इससे बाकी जो एलईडीज़ हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा एलईडी जो हैं वो ख़राब हैं और कम ठीक हैं, तो हम इसकी जगह नई चिप लगाएंगे। हम ये वाली चिप निकाल लेंगे और उसकी जगह ये वाली चिप लगाएंगे। इसकी रोशनी भी बहुत ज़्यादा है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होती। इसके अलावा ज़्यादा कलरों में भी एलईडी मिल जाती हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये ऑटोमेटिक फंक्शन करती हैं, कलर भी चेंज करती हैं। ज़्यादा कलर वाली एलईडी दिखाई है तो चेक भी करवा देता हूँ। इसको एक दफ़ा ऑन करने से ये रेड कलर देगा, फिर ऑफ़ करेंगे फिर ऑन करेंगे फिर ये ग्रीन कलर देगा, फिर ऑफ़ करेंगे फिर ऑन करेंगे तो ये ब्लू कलर देगा, और एंड में ये ऑटोमेटिकली फंक्शन करेगा, अपनी मर्जी से जैसे इसका मन चाहेगा वैसे काम करेगा। अभी के लिए हम सिर्फ वाइट कलर लगाएंगे, तो हमने इसी का इंतखाब किया है, इसी को हम इसके अंदर सेट करेंगे। इसको उतारने से पहले मैं ये बताता चलूं कि बाज़ एलईडीज के साथ जो है वो ड्राइवर लगा होता है, वो अलग से हमारी एलईडी को ऑपरेट करता है। यहाँ पर हमारी एलईडी को डायरेक्ट 220 वोल्ट दिए गए हैं और ये सारा जो इसका ड्राइवर सिस्टम है वो इसके ऊपर ही इंस्टॉल किया हुआ है। अब हम इसे उतार लेंगे। वायर हमारी लागू हो चुकी हैं, अब चिमटी की मदद से या पेचकस की मदद से आप इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, इसके अंदर अलग से ड्राइवर लगा हुआ है जो इस वाली एलईडी चिप को ऑपरेट करवाता है, लेकिन हमने जो नई चिप लगानी है उसके साथ हमें ड्राइवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पे ड्राइवर इसका जो है वो बना हुआ है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से दो तारें लेनी है और उनको यहाँ पे सेट कर देना है। सबसे पहले हम इसका ड्राइवर निकाल लेते हैं। ये दो पिन हैं, चिमटी की मदद से आप बड़े ही आराम से इसको निकाल सकते हैं। ये देखें, ये निकल आया जी ड्राइवर। ये हमने नहीं लगाना, यहाँ पे वन बाय वन हमने वायर को इन होल में से बाहर निकालना है और उसके बाद यहाँ पर इसकी पिन को ऊपर से दबा देना है। ये देखें, इस तरह दूसरी वायर को भी लगाना है और उसके बाद इसकी एलईडी को हमने यहाँ पे वायर के साथ फोल्ड कर देना है। ये देखें, वायर हमारी लग चुकी हैं। अब हमने बड़े ही प्यार के साथ इसको, इस चिप को इसके ऊपर यहाँ पे बिठा देना है। ये देखें, वायर को बाहर निकालेंगे, अभी दोनों वायर को बाहर निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको सोल्ड करेंगे। एलईडी हमारी फिट हो चुकी है, अब इसे करंट देके चेक करते हैं। ये देखें, वाह, देखिए इसकी कितनी प्यारी रोशनी है। ये देखें, बहुत ही तेज लाइट है इसकी।
एंड में आप यहाँ इसकी ग्लू लगाना चाहें तो भी ठीक है, वरना थोड़ी सी एल्फी लगा दें ताकि ये अपनी जगह से हिल ना सके। और उसके बाद हमने इसको फिट कर देना है, जैसे खोला था वैसे बंद कर देना है। फाइनली हमारी एलईडी जो है वो रेडी हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।